हाय, गुड इवनिंग। कैसे आप? मार्केट नेक्स्ट वीक हेड छोड़ दो, मार्केट एक महीने का व्यू भी दे देता हूँ। होना क्या है, होगा क्या, हो सकता क्या है? तो भाई, जैसे बोला था आपको, बाय ऑन डिप्स, तो अभी तक मार्केट वैसी चलते आ रही है। अब आने वाले 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज, 10th मार्च, 15th मार्च या 20 मार्च तक समझो, मतलब 15-20 दिन आने वाले, नेक्स्ट 15 to 20 डेज, भाई कुछ नहीं करना। क्या करना है? दोनों तरफ के मूव सहेंगे बस, हर रोज एवरी डे अप एंड डाउन होगा मार्केट। तो बाई सब इंट्राडे वालों के लिए सिंपल रूल दे रहा हूँ, अगले 15-20 दिन के लिए सपोर्ट पे बाई कर, रेसिस्टेंस पे सेल कर। सपोर्ट पे बाई कर, रेसिस्टेंस पे सेल कर। क्या करेगा? सपोर्ट पे बाई करेगा, रेसिस्टेंस पे सेल करेगा अगले 15-20 दिन के बाद। 10-15-20 मार्च के बाद मैं कैसे भी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी, तब बताऊंगा। कॉल ऑप्शन पोजिशनली ले लेना, कॉल ऑप्शन पोजिशनली ले लेना, और आपको एक तरफा रैली मिल सकती है। निफ्टी में 700 से 1000 पॉइंट एक तरफा, बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट तक एक तरफा रैली मिलेगी बैक टू बैक। तो जिस किसी को भी ट्रेड करना है ये हफ्ता, प्रॉपर दोनों साइड सपोर्ट रेसिस्टेंस खेलो, उससे अगला हफ्ता सपोर्ट रेसिस्टेंस खेलो, और उससे अगला हफ्ता भी सपोर्ट रेसिस्टेंस खेलो। जब टाइम आएगा वीडियो आ जाएगी एक तरफा मूव की। अब सब बोलेंगे करेक्शन करेक्शन, अभी नहीं आएगा, आएगा आएगा, इट विल टेक टाइम, बट क्रैश नहीं होगा। करेक्शन होता है पुल बैक्स, पुल बैक आएगा अभी नहीं, ठीक है? अभी कंसोलिडेशन वाला टाइम है साइडवाइज है, तो ऑप्शन सेलिंग वाले एट द मनी बेच लो, या एक रेंज ऑप्शन चेन में जो है बनी हुई है उसके हिसाब से बेच के चिल मारो, ठीक है? तो इसी के साथ मैं मेरी चर्चा एंड करता हूँ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो लाइक शेयर कमेंट, कमेंट तो करा करो यार, कमेंट भी नहीं करते हो, दैट इज़ द रीज़न आई हेट यू पीपल। इसके लिए मैं ज़्यादा यूट्यूब पे आता नहीं हूँ, इनफैक्ट 99% टाइम अपने व्यूज सही जाते हैं, फिर भी नहीं आता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लाइक और कमेंट के कारण। तो कंजूसी मत करो, फ्री का है, पैसा नहीं लग रहा उसमें तो करो, ठीक है? गुड नाइट।